आप सभी लोगों ने कभी ना कभी तो कोको कोला या पेप्सी तो पी ही होगी, लेकिन क्या आपको कोको कोला के इतिहास की सबसे बड़ी गलती के बारे में पता है? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब पेप्सी के गलत इन्वेस्टमेंट और शुगर यानी चीनी के दामों के आसमान छूने के कारण पेप्सी बैंकक्रप्ट हो गई थी, तब पेप्सी चाहती थी कि कोको कोला पेप्सी को सस्ते दामों पर खरीद ले। उस समय पेप्सी कोको कोला के पास तीन बार गई, लेकिन तीनों बार पेप्सी को मना कर दिया गया। उसके कई साल बाद पेप्सी की कड़ी मेहनत और लगन के कारण पेप्सी आज 1.5 लाख करोड़ की कंपनी के साथ ही साथ कोको कोला के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर में से एक है। वैसे आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कोको कोला या पेप्सी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।